राजा भाग गया पाकिस्तान, अपने सिपाही को फोन किया कि देख कुछ मिले न मिले, हमारे 250 कुतवा छूट गए, ले ले आइयो। उसका कुछ नहीं गया, बस कुत्ता गया। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारत में नहीं विलय करूंगा, अगर हैदराबाद को लेना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो पटेल ने कहा था इसमें कौन सा बड़ी बात है। कश्मीर वाला तरनाने लगा, राजा हरि सिंह अपन देश रहो तो। सरदार पटेल कहे गिरे भैया तोर कुछ चल जाएगा, घर द्वार कुल घर का लोटा थरिया बेचा जाएगा, मान जाएगा ना, ऐसे कैसे होगा। लॉर्ड माउंटबेटन बोला है कहीं भी रह सकते हैं, हमारा अपना चुनाव चिन्ह, हमारा अपना देश का झंडा रहेगा बकुला। जब मरल बकुला उसका चिन्ह था, चिन्ह कश्मीर का चिन्ह क्या था, मरल बकुला। अब उड़ने लगा वहां पे, सरदार पटेल कहे यार ये तो ज्यादा उड़ रहा है, हरि सिंह बेवकूफ आदमी थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, अरे जो फ्यूचर नहीं देख सकता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, राज सिंहासन पर बैठने का क्या अधिकार है उन्हें। हरि सिंह का ना 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 कश्मीर हमारा अलग रहेगा, कश्मीर अलग रहेगा। सरदार पटेल का यार तो बहुत पागल टाइप का आदमी है, यहाँ पे इसको आराम से निपटेंगे, पहले बाकी लोग को निपटते हैं, अरे कुत्ता पाला इसको निपटते हैं। जूनागढ़ वाले से कहा कि अरे भाई क्या कहना है तुम्हारा। देखिए ऐसा है कि हम पाकिस्तान जाना चाहेंगे, अभी हमारी जिन्ना से बात हो गई है। सरदार पटेल कहे कि सुन बता रहे, पाकिस्तान जाएगा किधर से, सड़क से ना, यहाँ की जनता मार के तुम्हारा माथा फोड़ देगी। जनता से उन्होंने रेफरेंडम करा लिया, जनमत संग्रह, कहाँ रहना चाहते हो, जनता ने कह दिया भारत में रहना चाहते हैं, रेफरेंडम दिखा दिया किसको, राजा को। राजा भाग गया पाकिस्तान, अपने सिपाही को फोन किया कि देख कुछ मिले न मिले, हमारे 250 कुतवा छूट गए, ले ले आइयो। उसका कुछ नहीं गया, बस कुत्ता गया यार। सरदार पटेल भी हंस रहे थे, यार कैसन कैसन पागल पाकिस्तान गया, ओका राज्य गया, चिंता नहीं, 250 कुत्ता ना छूट जाओ। सरदार पटेल ने रेफरेंडम करा लिया, रेफरेंडम मतलब है जनमत संग्रह, कहा कि एक काम करिए आप चले, यहां एक स्थिति देखिए, यहां के राजा मुस्लिम थे, यहां के राजा मुस्लिम, लेकिन जनता हिंदू थी, जनता हिंदू, कश्मीर में ठीक उल्टा था, राजा हरि सिंह हिंदू थे और जनता क्या थी, मुस्लिम थे, दोनों का सिचुएशन अलग। सरदार पटेल जो थे नेहरू को कहे, नेहरू जी कहे उनको, पटेल जी आप बाकी के 552 को देखिए, कश्मीर से हम देखते हैं क्या संभावना है। हरि सिंह जो था ना, वो शेख अब्दुल्ला उसका प्रधानमंत्री था, उसकी बात बहुत मानता था शेख अब्दुल्ला। हरि सिंह के चाबी किसके पास थी, शेख अब्दुल्ला। नेहरू को लग गया कि शेख अब्दुल्ला बहुत खतरनाक टाइप का आदमी है, तो इन्होंने कहा कि एक काम करिए बाकी को मिला लीजिए, तो कहा सब मिल गया, इसका तो काम हो गया, कुत्ता पहुंचा दिए इसका, अब हैदराबाद को निपटते हैं। तो अभी जो तेलंगाना दिख रहा है ना, पहले उतना बड़ा हैदराबाद था। सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम को कहा एक काम कीजिए, आप भारत में विलय कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारत में नहीं विलय करूंगा, अगर हैदराबाद को लेना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो पटेल ने कहा था इसमें कौन सा बड़ी बात है। ये नेताओं की एक भाषा होती है, पहले मेरे ऊपर से जाना, अरे चल जाएगा तुम्हारे ऊपर से, क्या दिक्कत, कौन सा चीन का दीवार है कि ना चढ़ पाएगा उस पर, है लाश से गुजर। सरदार उसने कहा कि भाई हैदराबाद का निजाम कहा यार ये आदमी तो डरता ही नहीं है यार, इसीलिए ना लौह पुरुष नाम रखा गया, वो कह रहा है कि लाश से गुजरना पड़ेगा, कोई बात नहीं आप जब बताइए हम गुजर जाते हैं। हैदराबाद के निजाम के पास पूरी तरह से अपनी फौज थी और बहुत पैसा था, हैदराबाद के निजाम गोलकुंडा कोहिनूर हीरा उकरे यहाँ से निकला था, उसी के एरिया से, हालांकि वो पहले निकला था काकतिया वंश के ऊपर में, तो गोलकुंडा हैदराबाद का एरिया काफी विकसित था। सरदार पटेल ने कहा कि क्या करेंगे, ये चोट्टा फोन कर दिया यूएनओ में, क्योंकि यूएनओ की स्थापना 1945 में हो गई थी, आई टांडो सब चल रहा था 1947 में, अब यूएनओ में फोन कर दिया कि देखिए यूएनओ का संविधान, यूएनओ के संविधान को चार्टर्ड कहते हैं, जर्मनी के संविधान को वाइमर कहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बाकी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यूएनओ का रूल है कि कोई देश यदि अपना स्वतंत्र निर्णय लेना चाहता है तो ले सकता है, और अंग्रेज कह के गए थे सब कि अगर देशी रियासत जो प्रिंसरी स्टेट है जहां रहना चाहती है स्वतंत्र, तो यूएनओ में लिख के गया कि देखिए हमारा हैदराबाद है, और अंग्रेज हमसे बोल के गया है लॉर्ड माउंटबेटन कि आप जहां रहना चाहें रह सकते हैं, समझ में आ गया। अब ये सरदार पटेल हमारे ऊपर सेना की कार्रवाई करना चाहते हैं,
लेटर भेज दिया कहाँ पे, यूएनओ, यूएनओ स्टिक ले लिया, एक्शन ले लिया यूएनओ, आप तुरंत भारत सरकार को मैसेज किया। गृह मंत्रालय के अंडर में आता है सारा चीज व्यवस्था भारत के अंदर का, सरदार पटेल थे उनके पास लेटर आ गया यूएनओ का, अब क्या करे सरदार पटेल, स्पष्ट लिखा था कि आप सेना को इंटरवेंशन के लिए नहीं भेज सकते। सरदार पटेल टेंशन में आए, सेना को कहें वर्दी उतारो, पुलिस का पहनो वर्दी, मारो ससुराल। ऑपरेशन पोलो के तहत घुसा दिए हैदराबाद में, मार के निजाम का गर्दा उड़ा दिए। निजाम कहा कि मारा है, यूएनओ में फोन किया मारा है, यूएनओ भड़क गया, मारा, हम मना किए सेना जाने के लिए वहां पे। सरदार पटेल का सेना कहाँ गई थी, पुलिस गई थी, आप सेना के लिए ना मना किए, पुलिस गई थी आप। ऑपरेशन पोलो की तरह हैदराबाद को क्या कर दिया गया, निपटा दिया गया, निजाम का व्यवस्था हो गया यहाँ पे। बाद में निजाम को सरेंडर करना पड़ा, सरेंडर नहीं करते तो सरदार पटेल कहे कि आप सरेंडर कर रहे हैं, अभी कहे थे कि आपको लाश से गुजरना पड़ेगा। हैदराबाद का भी काम निपट गया।